Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, we Sanu and you are watching Sanu Nonstop. So guys again I'm back with another amazing video. आज की वीडियो जो है वो थोड़ा सा टॉपिक हटके अलग है और मैंने अपने बाल हमेशा जो है वो खुद ही काटे हैं. मैं कभी किसी पार्लर वगैरह में किसी सलोन में नहीं गई अपने हेयर कट के लिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि भाई खुद ही सीखो खुद ही करो. और आप लोगों को बहुत ही ईजी मैथड आज बताने वाली हूँ कि जिसको यूज करके आप लोग भी जो है वो अपना हेयर कट जो है वो खुद ही घर बैठ के कर सकते हो. आप लोगों को सैलून वगैरह जाके इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है. और तो बहुत इजी मेथड है, फटाफट से मेथड को कर लेते हैं स्टार्ट. लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और शेयर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने बालों की कर लेते हैं इस तरीके से पार्टीशन. और इनको आपकी मर्जी है, अगर आपने अपने बालों को लाइक गीला करना है वेट करना है तब भी आप हेयर कट कर सकते हो, लेकिन मैं पहले बालों को सबको अपने करूँगी स्ट्रेट, ठीक है, देन जो है वो मैं अपना हेयर कट जो है वो स्टार्ट करूँगी. क्योंकि मेरे ख्याल से जब आप बालों को स्ट्रेट करते हो तो उनके जो है ना वो बाल बहुत अच्छे से कटिंग होते हैं. वो वेट करने से भी उतने अच्छे कटिंग नहीं होते जितने आपके स्ट्रेट करने से बाल जो है वो अच्छे से हेयर कट हो जाता है. तो इस तरीके से आपने अपने सारे बालों को जो है वो पहले स्ट्रेट वे में जो है वो बिल्कुल सीधा कर लें और उसके बाद जो है वो हेयर कट कीजिए. तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि बाल मेरे एकदम से बहुत ही अच्छे स्ट्रेट हो चुके हैं. मैंने खुद ही स्ट्रेट किए हैं अपने बाल. जब मैं इनको स्ट्रेट करती फिर दिल नहीं करता कटिंग करने को, लेकिन क्या है कि आप लोग जब बालों की कटिंग करते हैं तो आपके जो बाल है ना वो हेल्दी भी लगते हैं और उनकी ग्रोथ जो है ना वो डबल होना स्टार्ट हो जाती है. क्योंकि बाल जो है ना वो आपके डेड हेयर्स जो होते हैं ना वो कटिंग हो जाते हैं. अगर आप 2-3 माह के बाद थोड़े थोड़े 1-1, 2-2 इंच अगर अपने बाल काट भी देते हैं तो आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, ये इससे जो है वो बालों की ग्रोथ ही होती है. तो अभी फटाफट से जो है वो कटिंग स्टार्ट करते हैं. आप लोग इस टाइम मेरे बालों की लेंथ देख सकते हो, इतनी इतनी है मेरे बालों की लेंथ. और अब इसकी जो है फटाफट से कटिंग स्टार्ट करते हैं. उसके लिए जो है हम लोगों को इस तरीके के 3 जो है वो पोनिया रबर बैंड्स जो हैं वो चाहिए. और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह आप लोग जो है वो पार्टीशंस करके पोनिया वगैरह करके ऐसे कटिंग करेंगे. तो पहले जो है आगे वाले बाल आप लोग ऐसे ले लो, इस तरह से बालों को अच्छे से ब्रश करके और फिर जो है वो एक पोनी जो है वो सही से करके आप लोगों ने इधर ऐसे इसको इस तरीके से जो है वो पोनी बांध देनी है बालों की, ठीक है. इस तरीके से फिर जो है ना आप लोगों ने सेकंड जो है वो सेक्शन लेना है और उसको भी इस तरीके से आप लोगों ने कान के पीछे से ये बाल लेने हैं ऐसे. तो ये बहुत, इसको आप लॉन्ग लेयर्स भी बोल सकते हो, बटरफ्लाई कटिंग भी आप इसको जो है ना वो बोल सकते हो. मुश्किल हो जाता है इसको इधर से ऐसे करके आप लोग ले सकते हो इस तरीके से जो है वो ये वाली पोनी जो है हमने एक और कर ली है. अभी जो है वो पीछे वाले बाल रह गए हैं तो उनकी भी जो है हम लोग पोनी बना लेंगे. लेकिन मेक श्योर कि टैंगल्स ना हो, आप लोग बालों को ब्रश करते रहिएगा, अदरवाइज वो जो बालों का कटा सही से नहीं. आप लोग इसको अच्छे से ब्रश करके देन जो है वो एक और पोनी पीछे बना लेंगे इस तरह से, ठीक है. और अभी जो है कटिंग कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट. बहुत ही अभी यहाँ ये पोनी करने थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग जाएगा, पार्टीशन करने में सेक्शन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट बाद में जो है ना वो कोई टाइम नहीं लगेगा. अच्छा इस वाले को पीछे ले जाओ और इसकी जो है वो कटिंग हम लोग अब स्टार्ट करते हैं. मैं ना नीचे कोई कपड़ा रख लूँ, मेरे बाल गिरेंगे और मेरी मामा जो है ना फिर मुझे बहुत डांटेंगी, क्योंकि कारपेट के ऊपर अगर बाल आ गए ना बेइज्जती बहुत हो जाएगी मामा से. तो इसलिए मैं नीचे पहले चादर बिछा लूँ ताकि मेरे बाल उसी के ऊपर गिरेंगे. यस, अभी जो है ना ये वाला जो है बाल, ये वाले जो लिए हैं, ठीक है, इनको जो है ना बिल्कुल सीधा सीधा कट करना है. इनको आप लोगों ने
यहाँ तक कट करे, मुझे लॉन्ग में चाहिए, मुझे ज्यादा बाल शॉर्ट में नहीं चाहिए, तो मैं इतने इतने जो बाल है ना कट कर दूंगी अपने इस तरीके से। सीधे रख के आपने कट करने हैं, ऐसे उसे किसी तरीके से नहीं करने। फर्स्ट सेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट होगा और सीधा होगा, और फिर आपने इसको इस तरह से रफली थोड़ा जैसे चॉप करते हैं ऐसे कटिंग करनी है। बहुत प्यारी कटिंग आएगी आप लोगों की इस तरह से, इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो कट हो गया, और मज़ीद आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। आप जितना मर्ज़ी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और फिर जो है वो सेकंड वाला जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, मैं आप लोगों को इसका तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी फिंगर्स को करना है, किस तरीके से इसको आपने कट करना है। इसको अच्छे से ये देख लो, इस तरीके से आपके फिंगर्स जो है वो होनी चाहिए और आपके बाल, और यूं ऐसे, और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे ही फिर रफली तौर पर ऐसे ऐसे इसको आप कर लें। खुद के बाल काटें सैलून में इतने पैसे वेस्ट करने से बहुत अच्छा है कि आपको खुद ही घर में तरीका हो बाल कटिंग करने का। आप एक दफ़ा फिर इसको कर लें इस तरीके से ऐसे, और इसको मज़ीद आप लोग नीट कर सकते हो ऐसे। बहुत प्यारी कटिंग आएगी, ट्रस्ट मी। आप एक दफ़ा कभी भी सैलून जाने से पहले इस तरीके से अपने बाल काट लेंगे ना, आप बाकी चीज़ें भूल जाओगे। अच्छा, फिर हमारा लास्ट वाला सेक्शन रह गया, इसको भी ऐसे ला के आपने, ठीक है, पहले अच्छे से कॉम कर लें इसको। अदरवाइज मेरे पास तो ब्रश है, आप कॉम ले लो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप अपने घर पे आपकी मर्जी है, जो मर्जी यूज करो, ठीक है। आपने इसको भी इस तरीके से जो है वो कट करना है, इस तरह से ऐसे, इस तरह से कट करना है आपने इसको। फिर इसको भी रफली तौर पर, ये जितने मेरे डेड बाल हो गए थे नीचे से, फ्रीजी फ्रीजी हो गए थे ना, वो सारे जो है वो मैंने कट कर दिए हैं इस तरह से, ठीक है। अब जो है ना हम बाल खोलते हैं और दिखाती हूँ कि किस तरीके से इनकी शेप जो है वो आई है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन हम खोलते हैं, सेकंड वाला खोलते हैं, और ये वाला। अभी मैं आपको बाल सेट करके भी अपने जो है वो दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो बालों को सेट। अभी देख लो, लेंथ मेरे बालों की बिल्कुल नहीं कम हुई, ये देखें, और इतना प्यारा और इतना अच्छा हेयर कट, मतलब लाइक ऐसा हेयर कट आप लोग सैलून में जाके अगर करवाते हो ना, तो आपको जो है वो 2,000, 2,500 या 3,000 तो कहीं नहीं गए, ठीक है, आपसे ज़रूर लेंगे। अभी मैं आप लोगों ने जाना नहीं, आप लोगों को मैं ब्लो ड्रायर जो है वो करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपने बाल जो है वो जब कटिंग हो जाती है तो ब्लो ड्रायर कैसे करते हैं। अभी आप देखो ये कितने हेल्दी लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कटिंग हो गई थी पहले, मतलब 2 से 3 इंच का ही बालों का फ़र्क पड़ा, कोई बहुत ज़्यादा बालों का फ़र्क नहीं पड़ा, तो फटाफट से ब्लो ड्राई कर लेते हैं आप। अच्छा जी, तो अब अपने बालों को जो है वो ब्लो ड्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़, आपने यहाँ से जो है वो यहाँ से ऐसे इस तरीके से अपने जो बाल हैं वो ऊपर को उठा लेने हैं, ठीक है, और इस तरीके से इनको जो है ना आपने अभी ब्लो ड्राई नहीं करना, इनको जो है वो इस तरीके से, आपके पास अगर कैचर वगैरह तो उसको बांध लो भाई, मैं जो हूँ ना मैं इस तरीके से पोनी कर लेती हूँ, ठीक है। और अभी जो है मेरे पास जो ब्लो ड्रायर है वो ये वाला है, ठीक है। आप वो दूसरे वाला भी है, लेकिन वो जो है वो मुझे अभी मतलब थोड़ा टफ लगेगा यूज़ करते, क्योंकि मैं मुझे इतने अच्छे से नहीं आता वो वाला यूज़ करना, और ब्रश भी है उसके साथ, लेकिन ये जो है ना बहुत ईजी टू यूज़ है, क्योंकि ये देखो। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेना है कि आपने यहाँ से ऐसे सेक्शन लेना, तो आपने इसको अंदर अंदर कर सकते हो, बाहर की तरफ इसको कर सकते हो, तो वो सारा कुछ आपकी अपनी मर्जी पर होता है कि मैं इसको जो है वो अंदर वाले, ये देखिए ये खुद ब खुद ही होता जाएगा, आप लोगों को इतनी इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा ये इसने ब्लो ड्राई कर दिया, ठीक है। और अभी जो है वो पीछे से बाल कहाँ गए मेरे,
इस तरीके से जो है वो आपने इसको पकड़ के ब्लो ड्राई करके जाना है, ठीक है। बहुत इजी वे है इसका ब्लो ड्राई यूज करने का, इस तरह से। ये देखो बहुत गर्म हो गया ब्लो ड्राई, इसको सीधे कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। और ब्लो ड्राई तो पहले जो हम ब्लो ड्राई करते हैं उनको पहले काम करना चाहिए, देन इसको अंदर वाली साइड से और ऐसे करके इसको ब्लो ड्राई करना। अच्छा ये वाले बाल तो हमारे ब्लो ड्राई हो गए, अब इनको जो है वो टू पार्ट्स में लेंगे इस तरह, और जो आगे वाले बाल हैं ये पीछे वाले बाल हैं, इसको भी जो है वो कैचर होगा तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है तो अभी मैं नीचे नहीं जा सकती क्योंकि मैं ऊपर वाले रूम में हूँ। तो इसको जो है वो किस तरीके से ब्लो ड्राई करना मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको आपने इस तरीके से पकड़ना, ठीक है, अपने बालों को, और इसको जो है वो आपने ऐसे करना, ऐसे, ठीक है। ये इस तरह ब्लो ड्राई रहेगा, और इस ब्लो ड्राई जब करोगे तो इनकी जो है वो इस तरीके से जो है वो थोड़ी शेप आएगी, ये देखो कितनी प्यारी आ रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने ये वाला भी इसी तरह लेना है, और इसको भी इसी तरह से जो है वो अंदर वाली साइड पे टर्न कर लें, बाहर वाली पे कर लें, ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसको किस तरह से ब्लो ड्राई करते हो, ठीक है। ये अब आप यहाँ से पार्टीशन करेंगे और इसको इस तरह लेके आएंगे, और ये देखें कटिंग चेक करें, इसको मज़ीद अच्छी लुक देने के लिए जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ आपने क्या करना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग लेयर्स जो है ना ये कटिंग हो चुकी है मेरी बालों की, और आप लोग देख सकते हैं हर कट जो है वो कितने अच्छे से प्रोमिनेंट हो रहा है। और अगर आप लोग इससे भी शॉर्ट करेंगे अपने बालों को तो मज़ीद वो हेयर कट जो है वो इन्हेंस होके आएगा। अभी मेरे से जो है वो इतना अच्छा ब्लो ड्राई नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप दूसरे वाले ब्लो ड्राई से करोगे, इस वाले से भी अच्छे से हो जाता है, लेकिन मेरे से पता नहीं आज क्यों नहीं अच्छे से हुए। बाकी बहुत अच्छा जो है वो हेयर कट हो चुका है, जिसमें बालों की लेंथ भी जो है वो कम नहीं हुई, 2 से 3 इंच जो है वो बाल कम हो गया है, बाकी हेयर कट जो है वो बहुत ही कमाल का हो चुका है। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो होनी चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो बाय बाय गाइस।